हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और मुझे ये खबर देते हुए आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इस खबर से जो मुझे लोग झूठा झूठा फेक न्यूज़ वाला फेक न्यूज़ देते हो, इससे जो लोग ये बोलते थे ना, उनके मुँह पर एक तमाचा है। मैं सख्त बोलूँगा, क्योंकि मैं अब तक बहुत सारे कमेंट ऐसे देखता आया हूँ ना, जिससे बहुत ज़्यादा कोई और इंसान हो तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाए और वो मतलब वीडियो ही ना डाले। लेकिन मैं सोचता था कि मेरा काम है, मैं प्रूफ तो दे नहीं सकता। अगर मैं कोई जानकारी अंदर से निकालता हूँ, कर्मचारियों से निकालता हूँ, विभाग आयोग से निकालता हूँ, तो उसकी कोई लिखित रूप से कोई जानकारी नहीं दे देता है कि आप जाके दिखा दीजिए, ये सिग्नेचर साइन कर देता है। ठीक है, यहाँ से आपको मुझे विश्वास करना होता है मुझ पर, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते हैं और आप लोग ऐसे कैसे कमेंट करते हैं। लेकिन आज आप सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, वे उन छात्रों के लिए। कुछ ऐसे छात्र हैं जो सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि सर, आप जो भी चीज़ें बताते हैं सही होती है, और देखिए घर बैठे आपको सारी जानकारी मिल रही है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको जानकारी, इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। फिर भी बहुत सारे छात्र उल्टे सीधे कमेंट करते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी अब तक बात कहता है। तो दोस्तों, आज की खबर से सारी चीज़ें साफ़ हो गई है कि मैंने जो जो बताया, अब तक अपडेट दिया, वो बिल्कुल सही थी दोस्तों। अभी कल मैंने यही बात बताई थी, लेकिन कल तक मेरे पास प्रूफ नहीं था और आज मेरे पास प्रूफ है। कल भी मैंने बताया था कि आपका 18 फरवरी से विज्ञापन जारी हो जाएगा, 18 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं। आज लिखित रूप से सब कुछ जारी हो चुका है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सभी लोग, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो लोग यकीन नहीं करते थे, जो लोग गंदे गंदे कमेंट करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वो भी आज इस वीडियो को लाइक करेंगे और हो सके तो आज एक अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही लगातार आपको अपडेट करता रहूं और तैयारी भी मैं करवाऊंगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखें, कहीं भी स्किप मत करें दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ चुकी है, पीटी की तैयारी जितने छात्र लोग कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी तक शुरू नहीं किए, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप देर बिल्कुल मत करें, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है अभी भी, क्योंकि 1-1.5 महीने से चीज़ें चल रही है और सब जितने लोगों को ये लोग जान चुके थे कि हाँ विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2021 से ही शुरू कर दी है तैयारी दोस्तों। तो आप लोग अभी भी समय है, आप लोग तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पीटी का क्या सिलेबस है, किस तरीके से मुझे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जीके में कौन किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक प्री एग्जाम है, इसमें बहुत हाई लेवल का भी प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार मुख्य परीक्षा भी होगी इसके बाद, तो इसलिए बहुत हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है, बहुत लो लेवल का नहीं पढ़ना है, एक आपको मॉडरेट तैयारी करनी है। उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, बी टॉपर की तरफ से मात्र 99 रुपीज में क्रैश कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको UP SSSC का पूरा PET एग्जाम का सिलेबस, साथ साथ लेखपाल के बहुत सारे छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से तैयारी भी करवा रहा हूं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लेखपाल के लिए ही PET को देंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर लेखपाल भी उनका साथ साथ सिलेबस कंप्लीट, इसलिए मैंने ग्राम समाज वगैरह भी ऐड कर दिया है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कीमत कम है, इसका मतलब ये मत समझे कि कोई वन लाइनर की PDF फाइल दे रहा हूं दोस्तों, इसमें सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से कीमत इसलिए कम रखी गई ताकि सभी छात्र खरीद सकें, जो महंगे महंगे पेड कोर्सेज, कोचिंग या बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, वो इस क्रैश कोर्स से बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें, इसमें हिंदी, GK, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, UP GK और ग्राम समाज भी दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, यहां पर स्पेशल वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं, हिंदी, GK, ग्राम समाज, इन सभी के स्पेशल वीडियो क्लासेस भी दिए गए, जी हां, मात्र 99 रुपीज में। मैं सब कुछ यहां पर बता नहीं सकता, इसमें सब कुछ सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेंगे, वन आंसर भी मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स है। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी मात्र 99 रुपीज में है, कल इसकी कीमत 259 में कर दूंगा, जिनको भी लेना है कल सुबह 10 बजे तक इसको खरीद सकता है मात्र 99 रुपीज में। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे ऊपर जाके खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लिंक पर जाएंगे आप, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही पेमेंट 99 का करेंगे आपके ईमेल आईडी पे, इंस्टा मुझे के नाम से मेल आ जाएगा, में सारा मटेरियल रहेगा, तो जाइए इसको खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दें। आते हैं खबर पर दोस्तों, तो आज के विभिन्न अखबारों में, सभी अखबारों में बिल्कुल छाया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, CM ने परीक्षा पाठ्यक्रम व कार्यक्रम को संशोधनों के संग दी संवैधानिक सहमति, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रास्ता हुआ साफ। ये देख सकते हैं, ये अमर उजाला का, आयोग शीघ्र आयोजित करेगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इसी तरीके से और भी पेपरों में, हिंदुस्तान वगैरह में भी छपा हुआ है, तो यहां पर दोस्तों पूरी जानकारी आपको एक ही कटिंग में सब कुछ बता दूंगा सारी चीजें, और वो चीजें भी बताऊंगा जो अब तक मैं बताता आया हूं, वो चीजें यहां पर लिखित रूप से सब कुछ बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं
क्या है यहाँ पर विज्ञापन निकला, देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोग द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मामूली संशोधनों के साथ संवैधानिक सहमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रास्ता हुआ साम, क्योंकि यहाँ पर एक अड़चन था, जब आयोग ने सिलेबस को तैयार किया तो इसके बाद में सहमति के लिए शासन को भेजा गया था, वहाँ से मंजूरी मिलनी सिर्फ अटकी हुई थी, उसी की वजह से विज्ञापन पर आगे काम नहीं हो पा रहा था। और जब यहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी ने मामूली संशोधनों के साथ में बताया गया है कि जो सिलेबस है उसको मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर कुछ मामूली चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जो आयोग ने बताया था शासन को भेजने से पहले, तो हो सकता है कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कुछ मामूली संशोधनों के साथ में, तो क्या वो संशोधन हुआ है ये मैं जल्द पता कर आप तक बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें कि क्या चेंजेस किए गए सिलेबस में या योग्यता में, क्या चीज़ें चेंजेस की गई है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि मामूली संशोधनों के साथ में मुख्यमंत्री ने सिलेबस को मंजूरी दे दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर उसकी वीडियो में जल्द लेकर आऊँगा, जल्दी खबर उसकी मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आगे देखते हैं, देख सकते हैं मुख्यमंत्री द्वारा जल्द परीक्षा कराए जाने के निर्देश पर आयोग गुरुवार को पाठ्यक्रम आदि की जानकारी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते आपका गुरुवार, इस बार नहीं, अगले हफ्ते आपका गुरुवार को, आज ही गुरुवार है, अगले हफ्ते गुरुवार को आपको पाठ्यक्रम देखने को मिल सकता है, साफ तौर पर बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इसकी परीक्षा जल्द आयोजित की जाए, तो इसी कारण अगले हफ्ते गुरुवार को पाठ्यक्रम आयोग जारी कर सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। परीक्षा अप्रैल मई में ही होगी, परीक्षा अप्रैल मई में होगी, इसका मतलब भी ये भी साफ है कि जैसे ही आपका पाठ्यक्रम अगले हफ्ता हो सकता है, साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा 18 से 20 फरवरी के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 18 से 20 फरवरी के बीच में हो सकता है सिलेबस अलग से जारी किया जाए और उसके बाद में विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉबली ये है कि साथ ही में जारी किया जाएगा, विज्ञापन ही आपको अगले हफ्ते गुरुवार को देखने को मिलेगा जिसमें सिलेबस भी रहेगा और आवेदन की तिथि से लेकर सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से जो मैंने बात अब तक बताता आया हूँ कि सारी तैयार हो चुकी है, सिलेबस पे मंजूरी मिलना बाकी है और जल्द ही इसके लिए सारी चीजें आप कंप्लीट हो जाएंगी और आपको अगले हफ्ते नहीं 18 फरवरी तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कल ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आप यकीन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बुधवार को मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर उनके समक्ष PET के पाठ्यक्रम को परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार मुख्यमंत्री को PET को लेकर की जाने वाली तैयारियों को अवगत कराते हुए परीक्षा संबंधी योजना और पाठ्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया है, साफ तौर पर बताया जा रहा, बार बार इसको बताया जा रहा कि कुछ संशोधनों का निर्देश दिया है, मैं इसके बारे में जल्द पता करूंगा कि क्या चीजें चेंजेस की गई है। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन पूरी तैयारी के साथ किया जाए, परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से संपन्न की जा रही है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध होगा, इसके दृष्टिगत परीक्षा कार्यक्रम को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से परीक्षा प्रक्रिया को संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को लगभग 4 वर्ष के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं, निरंतर सुधार के प्रयास से वर्तमान में लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित सभी चयन आयोगों की परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया के प्रति अभ्यर्थी का भरोसा बहाल हुआ है। तो दोस्तों यहां पर ये 4 लाख कह रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या विचार है कि 4 साल में क्या 4 लाख युवाओं को नौकरियां मिली, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इसके दृष्टिगत भविष्य में भी परीक्षा व भर्ती कार्यक्रमों को मिशन रोजगार के तहत पूरी तेजी से संचालित किया जाएगा। आयोग को परीक्षा में 30 लाख से ज्यादा के बैठने की उम्मीद है, यानी कि ज्यादा उम्मीदवारों के आने की उम्मीद, ऐसे में व्यापक पैमाने पर तैयारी करने परीक्षा अप्रैल अंत में या मई के मध्य तक कराई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पीठ में 30 लाख आवेदन आने की संभावना है, 30 लाख छात्र बैठने की संभावना है, तो बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जाएगी। दोस्तों आयोग बिल्कुल पूरी तरीके से डट चुका है, कल एक मीटिंग थी दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ में, जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम, जो अध्यक्ष जी हैं उनको पाठ्यक्रम समझाया और
उसमें कुछ चेंजेस मुख्यमंत्री जी ने करने को कहा है, उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर देने को भी कहा है और परीक्षा इसकी जल्द आयोजित करने को कहा है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर पीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और भाई ये क्रैश कोर्स खरीद लें 99 रुपए के लिए, इतना मत सोचें, बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो चीजें आपको 2000-3000 में मिल रही है मात्र 99 में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एक पहल है। आप लोग इसको खरीदे, पढ़े, देखे क्या चीजें इसमें दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी इससे कर सकते हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जिनको भी लेना है लिंक दिया गया है वहां से खरीद सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया वहां से भी खरीद सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुआ, सही न्यूज साबित हुई, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।